दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अरुण द्विवेदी, जो अभी अभी एक बयान को लेकर बहुत चर्चा में आए, उन्होंने 3 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी से गणेश सिंह के ऊपर सीधा हमला बोला कि आज उनकी छवि वो नहीं रही, वो पैरलर भाजपा चला रहे हैं। उन्होंने सांसद प्रतिनिधि के नाम से एक अलग संगठन ही खड़ा कर दिया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके अरुण द्विवेदी ने आवाज उठाई और वो खुद अपने लिए लोकसभा टिकट मांग रहे हैं। आखिर क्या बात है कि आपने गणेश सिंह के ऊपर ये हमले किए? ये सवाल गणेश सिंह के हमले का नहीं है, ये सवाल पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सरकार में परेशानियां उठाई, प्रताड़ित हुए, जेल गए और आज पार्टी संगठन में संगठन नाम की जो एक व्यवस्था होती थी उसके पैरेलल एक संगठन खड़ा कर दिया और पूरे जिले में अपने लिए भाजपा का उपयोग किया गया, भाजपा के लिए भाजपा का उपयोग नहीं किया, ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा का उपयोग किया, अपने लिए भाजपा का उपयोग किया गया और वोट भाजपा के नाम पर लेकर अपने लिए काम किया। एक प्रश्न और उठ के आ रहा है कि 15 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, 5 साल से केंद्र में सरकार है, आम कार्यकर्ता को किसी को भी कोई लाभ सत्ता का नहीं मिला, ये कार्यकर्ता अपने को छला महसूस कर रहा। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश का तो बड़ा मामला है और बड़े लोग इस पर जवाब देंगे, जहां तक हमारे जिले का मामला है, 25 वर्ष हम लोग भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं और फिर मैं अपनी बात को वहीं पर ला के दोहराता हूँ कि हमारे जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो राजनीतिक जो सामाजिक उत्पीड़न हुआ है और उसका बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक पैरलर संगठन के रूप में खड़ी कर दी गई हमारे जिले के बड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा और उसी को पार्टी मानकर उन कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करके जिन्होंने वास्तव में अपना खून देकर, जिन्होंने अपना समय देकर, जिन्होंने अपना समर्पण करके तिल तिल कर लगाकर इतनी बड़ी पार्टी को प्रत्यक्ष के रूप में खड़ा किया, आज उनको लोग न केवल उपेक्षा कर रहे हैं बल्कि उनको नष्टनाबूद करने की योजना बना रहे हैं। मतलब जिसने पार्टी को सींच के खड़ा किया तन मन धन से, बिल्कुल उनको समाप्त किया जाए, बिल्कुल, और एक पैरेलल सत्ताधारी संगठन खड़ा हो गया, बिल्कुल। अब आपकी लड़ाई क्या है, आगे क्या कर रहे हैं? लड़ाई का कोई विषय नहीं है, विषय यह है कि 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, युवा मोर्चा से लेकर और जिले के विभिन्न पदों में आप सब लोग जानते हैं रह चुका हूँ, 98 से लेकर और अभी 2018 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के मतपाटन विधानसभा के टिकट का दावेदार। जब जब परिस्थितियां बनी चुनाव लड़ने की, तो पिछले 3 बार से हम लोग देखते हैं ये चीज ले जाकर अमर पाटन में रख दी जाती है कि वो सीट पटेल के लिए सुरक्षित है, वो सीट ओबीसी के लिए सुरक्षित है, केवल ओबीसी के लिए, ओबीसी में 16 जातियां आती हैं, केवल ओबीसी के लिए नहीं, केवल पटेल के लिए सुरक्षित है। मेरा उस पर कहना यह है कि जब राजेंद्र सिंह से और कांग्रेसियों से संघर्ष करने का विषय आता है तब ये कहां जाते हैं? आज तक इन 15 सालों में एक भी राजेंद्र सिंह के खिलाफ कोई भी बयान दिया हो, उनके किसी भी कारनामों पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हो, तो जब संघर्ष करने की बात आती है, विपक्ष से लड़ने की बात आती है, तब फिर अमर पाटन में अरुण द्विवेदी दिखता है और जब हम उनके खिलाफ एक वातावरण बनाते हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करते हैं, तो फिर चुनाव लड़ने की जब परिस्थितियां बनती हैं, चुनाव जीतने की परिस्थितियां बनती हैं, तो वो सब जाति के आधार पर वहां पर ले जाके टिकट दे दी जाती है, कोई बात नहीं। चलिए, अगर हम उस फार्मूले में नहीं सेट हो पा रहे हैं तो अब कौन सी ऐसी बात है कि ब्राह्मण बाहुल्य सतना की कॉन्स्टिट्यूएंसी है संसदीय क्षेत्र, तो हम टिकट की मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम करने के नाते हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है,
कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को टिकट दे, किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूँ, अभी तक कहीं भटका नहीं हूँ, अभी तक कहीं गया नहीं हूँ, कहीं से आयतित नहीं हूँ, तो पार्टी हमको टिकट दे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सतना संसदीय क्षेत्र में विजय मिलेगी। अभी आपने एक प्रश्न किया कि 16 पिछड़ा जातियां हैं, उसमें सिर्फ पटेल को ही महत्व क्यों दिया जाता है? क्या ऐसा पिछड़ा में भी कोई एक विद्रोह की भावना उभर रही है? नहीं, क्यों नहीं उभर रही? आप ये बताइए कि 16 जातियां हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारी नगर परिषद रामनगर, जहाँ का मैं बोलता हूँ निवासी, पिछले आरक्षण में वो पिछले कोटे में चले गए। हमारे यहाँ एक डॉक्टर अवधिया रिटायर होके आए थे, वो भी पिछड़ा कोटे में बिलोंग करते। हमने पार्टी के समक्ष ये विषय रखा कि भाई पिछड़ा है तो पिछड़ा लड़ेगा तो क्या कुशवाहा नहीं लड़ सकता, क्या यादव नहीं लड़ सकता, क्या अवधिया नहीं लड़ सकता, क्या सोनी नहीं लड़ सकता? कहाँ लिखा है कि पिछड़ा का मतलब केवल पटेल होता है? लेकिन यही जनप्रतिनिधि, हमारे जिले के बड़े जनप्रतिनिधियों ने अपना प्रतिष्ठा लगाया और फिर वहां पर राम सुशील पटेल को टिकट दिलाया, वो जीते। और जीतने के बाद आप तो अखबार और मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ दी गई और इसके बाद भी लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में बाकी वो 15 जातियां जो ओबीसी को बिलोंग करती हैं, वो कहां जाएं और उनकी आवाज कौन उठाएगा? क्या केवल वो उनका भी काम यही है कि वोट दें और वोट देने के बाद किनारे हो जाएं और फिर हम, क्योंकि जिले के बड़े जनप्रतिनिधि संयोग से बन गए हैं, तो हम अपनी बात करेंगे, फिर जात की बात करेंगे, फिर जात में भी परिवार की बात करेंगे और पूरा टाइम कभी अटल जी के नाम पर वोट लेंगे, कभी मोदी जी के नाम पर वोट लेंगे। भाई 15 साल से हम जनप्रतिनिधि हैं और हम उनकी बात, हम किसी भी जनप्रतिनिधि की बात करते हैं कि अगर कोई 15 साल किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 साल जनप्रतिनिधि रहता है तो मोदी जी ने क्या किया, शिवराज जी ने क्या किया, अटल जी ने क्या किया, ये तो विषय है ही और रहेंगे ही, पर हमको भी तो बताना चाहिए कि ये 15 साल का हमने, ये हमारा कार्यकाल रहा है और इस 15 साल में जिले में विकास के नाम पर हमने किया क्या है। ये प्रश्न आप लोगों को उनके बीच में पूछना चाहिए कि भाई आपने इन 15 सालों में इस जिले के लिए आपने जो जो काम किया है वो काम लिस्ट रखिए, हम लोग भी देखते हैं। तो आखिर हम एक कार्यकर्ता होने के नाते कहिए या सतना संसदीय क्षेत्र का एक मतदाता होने के नाते कहिए, हमारा हक तो ये बनता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से पूछें, वो जनप्रतिनिधि चाहे जिस पार्टी को बिलोंग करता हो, हम जिसको वोट देते हैं, कि भैया आप अपना भी तो कुछ बताइए। भाई हम पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी हमको टिकट देगी तो स्वाभाविक रूप से हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, केवल पार्टी का काम किया, तो हम मोदी जी की बात करेंगे, हम अटल जी की बात करेंगे, हम जितने काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में हुए होंगे उनके दम पर लड़ेंगे चुनाव, जो मोदी जी 5 साल से पूरे देश दुनिया में काम कर रहे हैं उनके दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर 5 साल जनप्रतिनिधि होने के बाद हम आप इसी सीट पर बैठेंगे तो आपका एक प्रश्न तो होगा कि भैया 5 साल से आप भी अपना कुछ बताइए। बिल्कुल सही, तो उतनी तैयारी तो हमारी भी होनी चाहिए ना, उस तैयारी के नाम पर हम सुनने बटा सुनना था। चलिए, आपने बड़े गंभीर विषय उठाए हैं, इसको पार्टी लेवल में क्या सोच रहे हैं? अभी आपने पार्टी लेवल में भी दिल्ली भोपाल दावेदारी की है, बिल्कुल, उनका क्या मत है? देखिए, पार्टी के जिम्मेदार लोगों से मेरी बात पहले भी हुई थी और फिर बात हुई थी और उन्होंने कहा कि देखिए आप पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम तो पिछली बार भी आपको चुनाव लड़ाना चाहते थे, विधानसभा का परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की वहाँ जनप्रतिनिधि ने डाली कि आपको वहाँ पटेल कोटा देना है तो मतदान से लड़ाएंगे। बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से हमने बात भी रखी है और इस बात को गंभीरता से हमारे प्रदेश का संगठन ले भी रहा है। लोकसभा का मामला है, उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम दिल्ली में आपकी बात मजबूत तरीके से जो निर्णय होगा उसके आधार पर हमारा अगला कदम तय होगा। अगर पार्टी उन्हीं को प्रत्याशी बनाती है ऐसी परिस्थिति में, देखिए अभी तो न केवल हमारा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अपनी आवाज अपने अपने ढंग से अपने अपने प्लेटफॉर्म से ऊपर तक पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये समझ रहा है कि इनको टिकट मिलेगी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जीता। ऐसी स्थिति पर
प्रदेश से लेकर देश में सब नेतागण यहाँ आ रहे हैं। उन नेताओं से सब लोग अपने अपने लेवल पर बात कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता की ये इच्छा है कि यहाँ किसी नए कार्यकर्ता को टिकट मिले जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता हो, तो निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पर जीते। और सब कार्यकर्ताओं की आवाज़ ऊपर तक जा रही है, तो मुझे ये भरोसा है कि दिल्ली का संगठन राष्ट्रीय संगठन हो या प्रदेश का संगठन, उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझकर ही निर्णय करें। अरुण द्विवेदी जी सतना जिले के शायद पहले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे जिन्होंने खुलकर सारी बातें सबके सामने रखी हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आक्रोश तो बहुत है, लेकिन जुबां किसी की नहीं खुल रही है। ये पहले ऐसे नेता हैं जिनने खुले तौर पे यह बात स्वीकारी है कि 15 साल में सांसद द्वारा व्यक्तिगत रूप से सतना का कोई विकास नहीं किया गया और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।